खरीदने आया है या क्या करने आया? खरीदने आए हैं। खरीदने आए हैं। खरीदने आए हैं। हाँ, तुम्हारे पास फ्रिज नहीं है? है, तभी फ्रिज है। फ्रिज का पानी खराब होता है। फ्रिज का पानी खराब होता है? हाँ, एक दिन पी लो तो सर्दी बुखार हो जाए। माने एक दिन पीते तो सर्दी बुखार हो जाए? अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो मटका सुराही का ही पानी पीजिए और सब दिन शरीर स्वस्थ रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं स्वस्थ। अभी हम मुजफ्फरपुर में है, समझिए कि गरीब का फ्रिज मिट्टी के मटका के पास है। समझिए कि अभी गर्मी का मौसम चला है, प्रचंड गर्मी पूरे बिहार में, समझिए गर्मी का एक प्रकोप है पूरे भारत में। और गर्मी के सीजन में हम लोग आते हैं बाहर से और फ्रिज का पानी पी लेते हैं, जो फ्रिज का पानी बहुत ही हानिकारक होता है। अगर हम लोग मटके का पानी पियेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। मटके के पानी से पाचन क्रिया ठीक ठाक रहता है, शरीर का संतुलन ठीक ठाक रहता है, दिमाग भी स्वस्थ रहता है। चलिए भाई साहब, मटका बनाते हैं। ये भाई साहब से पूछेंगे कि मटके में क्या क्या चीज़ और क्या फ़ायदा, और मटका इस बार डिमांड ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है मनोज पंडित। मनोज पंडित, हाँ। मटका इस बार बना रहे हैं तो मटके का डिमांड अच्छा खासा हो न रहा है? हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि सुराही मटका के पानी पीने से शरीर स्वस्थ रहता है, कोई तरह के शरीर में हानि नहीं आता है, इसलिए मटका के सेल है। मटका का सेल अच्छा खासा हुआ है? हाँ, हुआ है। क्योंकि जो गरीब होता है वो तो फ्रिज नहीं खरीद सकता है, वो तो मटके का पानी, या मटका का पानी शुद्ध भी होता है, बहुत सारे बीमारी से दूर भी रहता है। इस वक्त कितने में मटका बेचते हैं? 300 में बेचते हैं, 350 में बेचते हैं। 300, 350 में जी। कितने लीटर वाला बेचते हैं? 14 लीटर वाला बेचते हैं 300 रुपया में। हाँ? और 15 लीटर वाला बेचते हैं 350 रुपया में। माने 14 लीटर वाला 300 रुपया में जी, और 15 लीटर छोटा छोटा है तो, और छोटा वाला 200 रुपया में बेचते हैं। 200 रुपया में। हाँ। कितने लीटर का रहता है? वो रहता है 8 लीटर का। 8 लीटर का जी। तो ये कैसे, कितना दिन बनाने में टाइम लगता है? कम से कम एक वावा लगाने में 15 दिन लगता है। 15 दिन लगता है? हाँ। 15 दिन में बन के सब तैयार हो जाता है? तैयार हो जाता है पक्कू के जी। अभी तो धूप ज्यादा है तो कम समय लगता होगा? कम समय लगता है, तो फिर भी सारा आइटम बना लेते हैं ना, जैसे सुराही हो गया, मटके हो गया। हाँ। सब आइटम बनाने में, सुखाने में समय लगता है। हाँ। इसलिए 15 दिन में एक वावा तैयार। कैसे कैसे इसको बनाते हैं? इसको मिट्टी के पहले सानते हैं, सानने के बाद इकड़ी निकालते हैं। हाँ। इकड़ी निकालने के बाद पूरा माटी के मिलाते हैं। हाँ। उसका बाद इसको चाक पर गढ़ते हैं। हाँ। उसका बाद इसको मशीन से ठोकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपसे नया मटका ले जाता है तो उसको कैसे आप समझाइएगा कि नया मटका का पानी शुद्ध होगा या ठंडा हो पाएगा, उसके लिए कुछ होगा ना प्रक्रिया? 24 घंटे तक उसमें पानी छोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर दूसरा पानी डाला जाता है? 24 घंटे के बाद नहीं, सुराही में जो है ना। हाँ। हम लोग मिट्टी में बालू मिलाकर ही बनाते हैं। अच्छा। हाँ। पानी रखने के बाद 1 घंटा के बाद जो पानी पीजिए, आपको स्वयं ही ठंडा रहेगा। हाँ। पूरा स्वादिष्ट रहेगा, सोन सोन रहेगा, मैंने स्वादिष्ट रहता है वो पानी। हाँ। चलिए और भाई साहब से जानेंगे, ये बड़का मटका सब जो बनाए हुए, आइए तनी जानते हैं। समझिए कि गर्मी का मौसम है और ये कितना लीटर का मटका? पानी रखिएगा 20 लीटर का है। 20 लीटर का है? हाँ, 20 लीटर का है। तुम भी काम करता है? नहीं, जानते हैं। तुम जानते हैं? हाँ। खरीदने आया है या क्या करने आया? खरीदने आए हैं। खरीदने आए हैं। खरीदने आए हैं। हाँ। तुम्हारे पास फ्रिज नहीं है? है, तभी हो। फ्रिज है तभी? तो दादी तर खरीदने आए, दादी के खरीदने आए। माने फ्रिज है तो सुराही मटका के पानी, माने फ्रिज है तभी तो किन्ने आए? हाँ, तो लाइन कट जाता है तो फिर पानी उतना ठंडा नहीं रहता है ना, तो इसमें के पी लेते हैं। हाँ, ये पी लेता है इसे। हाँ। इसका पानी ठीक ठाक लगता है? हाँ, अच्छा रहता है, सफेद पानी रहता है। हाँ। सफेद पानी रहता है? हाँ, अच्छा पानी रहता है। हाँ। चलिए और भाई साहब सब खरीदने आए, भाई साहब से भी जानेंगे, चाची का देख रहे हैं, क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया। मटका खरीदने आए हैं? हाँ, मटका लेना है, सुराही लेने आए हैं। हाँ, गर्मी का सीजन चल रहा है तो फ्रिज छोड़ के आप लोग मटका पे आ गए हैं? फ्रिज का बात अलग है, ये इसका टेस्ट होता है, पानी का होता है। हाँ। इसमें पानी ठंडा रहता है। हाँ। यही सब बेनिफिट है। हाँ। लाइन से चलेगा, इसको लाइन से कोई लेना देना है नहीं। हाँ। पानी ठंडा मिलेगा और क्या। हाँ। काफी तरह हेल्थ बेनिफिट भी है इससे। हाँ। हाँ। पाचन भी होता है इसके, बहुत बढ़िया अच्छा होता है, कोई बीमारी भी नहीं होता, कोई इसी तरह का कोई बीमारी नहीं। चलिए, आप भी भाई साहब मटका खरीदने आए हैं? ना, साथी में है। साथी में है तो दोनों का मटका ले जाना है? जी जी। हाँ जी। ये मटका का पानी पीना है? पीना है, तभी ना। समझिए कि गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी इस बार इतना प्रचंड जो है कि समझिए कि धूप में अगर कोई निकलता है, अगर वो फ्रिज का पानी पीता तो जल्दी बीमार हो जाता, लेकिन अगर मटके का पानी पीता तो बीमार नहीं होता। क्या कहिए? मटका का पानी ठीक होइ छै बउवा? मटका का पानी ठीक होता है चाची? हां, तो फ्रिज का पानी खराब होइ छै। फ्रिज का पानी खराब होता है? एक दिन पी लो तो सर्दी बुखार हो जाए छै। माने एक दिन पीते तो सर्दी बुखार हो जाता है, इसीलिए आप लोग मटके का पानी? हां, मटके को पीते हैं। माने इस बार 200-300 रुपया मटका मिल रहा है। हां, फ्रिज के पानी से अच्छा होता है ये? ये अच्छा होता है। आप लोग समझिए कि
आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है, मटका का डिमांड बहुत ही ज्यादा हो चुका है, क्योंकि मटका का पानी बहुत ही शुद्ध होता है और लाभदायक भी होता है आपके शरीर के लिए। अगर मटका का अगर पानी पीजिएगा तो कोई बीमारी नहीं होगा, लेकिन वही फ्रिज का पानी पीते हैं, आते हैं गर्मी से तो तुरंत गले में खराश हो जाएगा, सर्दी खांसी हो जाता है। इसी के लिए कभी भी आपको कहा जाता है, डॉक्टर से भी सलाह लेते हैं तो डॉक्टर भी कहता है कि नहीं, मटका का पानी पीना चाहिए क्या? जी जी, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो मटका सुराही का ही पानी पीजिए और सब दिन शरीर स्वस्थ रहेगा। बीमारी से बचना है तो फ्रिज के पानी नहीं पीजिए, मटका के ही यूज कीजिए। मैंने मटके का यूज करना चाहिए। जी जी, मस्त आदमी नहीं ना, पैसा हो जाता है। जब जीना है, पृथ्वी पर रहना है, समझना है तो शरीर को बचाना ही है, मटका के ही पानी पीना है। चलिए, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग सस्टॉक्स देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।